नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के फोकल पॉइंट में सुबह कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 30 से अधिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। जालंधर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम ने नकोदर चौक से भगवान वाल्मीकि चौक तक चलाया ऑपरेशन। अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। पंजाब सरकार के नए बने कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, सरबत के भले की अरदास। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में सुबह फोकल पॉइंट में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो वही घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। इस अवसर पर दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह तड़कसार सूचना मिली थी कि फोकल पॉइंट में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी है, जिसके बाद उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि अब तक 25 से 30 पानी की गाड़ियां लग चुकी हैं। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन जानी नुकसान होने से बचाव रहा। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। फिलहाल उनके उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। थाने के सामने लगी आ गई जी। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 3:35 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਕਲ ਪੈਂਟ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? 20 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। जालंधर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर निगम जालंधर की तह बाजारी टीम और जालंधर की पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के निर्देशों के तहत किया गया। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने नकोदर चौक से लेकर महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस अभियान में नगर निगम की तह बाजारी टीम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम किया। अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ सड़कों पर होने वाले गलत पार्किंग की वजह से उत्पन्न समस्याओं को भी सुलझाया गया। टीम ने सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए जगह खाली करवाई, जिससे यातायात की रफ्तार में सुधार हुआ। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने इस मौके पर शहरवासियों से अपील की कि वे सड़कों पर अवैध रूप से पार्किंग ना करें और अतिक्रमण से बचे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानयोग DGP पंजाब श्री गौरव यादव दीयां हदायतां जिहड़ियां नशियां दे खिलाफ चलाई गई मुहिम दे विच अज खालड़ा पुलिस नूं वड्डी सफलता हासिल हुई। जदों एक इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ सानूं रिसीव हुई है कि चार व्यक्ति जिहड़े आ ना कुछ चीज़ की भाल कर रहे ने पिंड डल बगीचा सिंह दे खेतां दे लागे। इस दी इनफॉर्मेशन जिहड़ी तुरंत BSF नूं दित्ती गई। BSF ते पंजाब पुलिस ने जदों सांझा सर्च ऑपरेशन चलाया ते पुलिस दी आमद नूं वेखदे हुए जिहड़ा एक मूर्ति हैगा आ पिंड डल दा ते उहदा लड़का सलविंदर जिहड़ा ओह एक पीले रंग दा पैकेट सुट के जिहड़े भज गए। जदों इहनूं खोल के चैक कीता गया इहदे विचों जिहड़ी आ हैरोइन रिकवर हो गई जिहड़ी चोरी आ, जिहनूं नियमां दे तहत कब्जा पुलिस दे विच लै के ते जिहड़ी ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
सो पंजाब पुलिस ते BSF हमेशा ही बॉर्डर दे उते सतर्क आ ते समगलरां दीआं गतिविधियां नूं असफल करन दे विच कामयाब हुंदी रही आ। इहदे विच वी जिहड़ी वड्डी सफलता आ मानयोग SSP साहब वल्लों जिहड़ियां बार बार लोकां दे नाल मीटिंगां VDC दी कमेटियां दे नाल मीटिंगां कीतियां जा रहियां ने ते जिहड़ा सहयोग आ सानूं पब्लिक वल्लों वी मिलदा। अज वी जिहड़ा सानूं पब्लिक वल्लों सहयोग मिलिआ ते इनफॉर्मेशन मिली आ जिस बेस पर यह जी रिकवरी हुई है तो बाई नेम रिकवरी है। मैं इतने यह भी दसना चाहवागा कि सूरती का भरा एक मूर्ति जड़ा पहला ही इन्होंने गतिविधियों के शामिल आ थाने खालड़े की जोड़े वक् मुकदमों के वांटड आ वह भी अजय भगौड़ा आ। सो इन का परिवार ही इस गतिविधियों शामिल आ जिथे इन दफ्तीश NDPS एक्ट थले की जाऊगी उत्थे नाल दी नाल जो 68F आ थले भी इन्हों के खिलाफ जी कार्रवाई की जाऊगी। पंजाब सरकार ने नए बने कैबिनेट मंत्री मोहिंदर सिंह भगत है जो कि जलंधर से आम आदमी पार्टी की विधायक है और अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने गुरु घर में माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास की तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मोहिंदर भगत ने कहा कि वे बहुत ही खुशनसीब हैं कि उन्हें गुरु घर में आने का मौका मिला है और वे गुरु घर में वाहेगुरु जी को आशीर्वाद देने आए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए हैं इसलिए वे गुरु घर में शुक्राना अदा करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान आपके कई नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर श्रोमणी कमेटी के अधिकारियों की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं बहुत ही भागा वाला वहाँ कि मैं अज श्री हरिमंदर साहब गोल्डन टैंपल के आके दर्शन करने का मौका मिले है और मैं बहुत ही खुश हाँ और मैं इतने आके गुरु घर शीश झुकाया है। मैं बहुत ही सत्कारयोग साढ़े आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी उनके नाल पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब जी ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री जिदा जो मैंने बनाया है। सो मैं गुरु घर का शुकराना करने आया हाँ। सो मेरे नाल सारे साथी आए हैं और मैं बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि साढ़े बजुर्गों ने कहा कि जो भी कोई अच्छा काम की शुरुआत करनी हो तो गुरु घर की ओट लैनी चाहिए है। सो मैं अच्छ गुरु घर की ओट लैन लिए आया हाँ और मेरे नाल सारे साथी आए हैं। मैं अपने आप बहुत ही खुशकिस्मत समझता हाँ और मैं गुरु महाराज अगर अरदास करना परमपिता परमात्मा के मैं शक्ति देन ताकि मैं आने वाले समय के पंजाब की जनता की और जिन्हें भी जिन्होंने लोगों को कोई भी मेरे प्रति कोई लोड़ होए कोई मेरे प्रति कोई काम होए मैं उनके काम कर सकता और ये जो भलाई का काम है जो साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने जो सपना लिया है कि पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाना है। सो मैं वो सहयोग कराँगा और मैं दिन रात मेहनत करके पंजाब की खूबसूरती पंजाब का भाईचारा जो साड़ी पहचान है पंजाबीयत दी उहदे विच मैं पूरा सहयोग पाउण दा कोशिश करांगा और बहुत जल्दी पंजाब रंगला पंजाब बनेगा ऐसी मैं कामना करता हूँ। कितना महकमा मिलिया जी? सो मैनू जो महकमा है ये CM साहब का प्रेरोगेटिव हुंदा है उन्होंने मैनू डिफेंस वेलफेयर उसके नाल फ्रीडम फाइटर वेलफेयर उसके नाल हॉर्टीकल्चर का जो महकमा दिता है ये तीन महकमे मैनू मान साहब ने जो मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई है क्योंकि हर महकमे च तुहानू लोगों की जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। सो मैं इन्होंने तिना महकमिया द्वारा पंजाब की जनता की सेवा करने का पूरा प्रयास करांगा और मैं पूरा यकीन है कि मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभावगा क्योंकि मेरे पिता जी भी पहले 3 बारी MLA रहे मिनिस्टर रहे मैं उन्होंने बहुत कुछ सीखने मिलया है। अज मैं उनकी बदौलत ही अज MLA बनया हाँ मंत्री बनया हाँ क्योंकि उन्होंने हमेशा ईमानदारी काम नाल काम करने की सिक्ख्या दिखती है। सो उन्होंने संस्कार और सिक्ख्या लैके चल रहे हाँ तो मैं पूरा उम्मीद है किसी आने समय भी इदा ही लोगों की सेवा कर सकेंगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के तौर पर गुरप्रीत सिंह बुल्डर ने अपना पदभार ग्रहण कर दिया है जहां पदभार ग्रहण करने से पहले वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के पश्चात वे अपने कार्यालय पहुंचे जहां उन्हें पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया तो वहीं कार्यालय में पहुंचने पर स्टाफ सदस्यों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि वे अपने आप को बेहद ही खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें
दोबारा से गुरु नगरी अमृतसर की सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन्हें गुरु नगरी अमृतसर की सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में से गैंगस्टरवाद और नशा खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए लगातार पुलिस की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि लोगों के सेवादार बनकर काम करना है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अमृतसर शहर के अंदर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और अमृतसर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिल्कुल ठीक रखा जाएगा व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उन्होंने भी इस पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब विखे दोबारा मौका मैं मिलया साढ़े मानजोग सीएम साहब और डी जी साहब के बड़े क्लीयर डायरेक्शन ने तुम्हें पता है कि गैंगस्टर कल्चर अस खत्म करना है, ड्रग्स खत्म करनी है और इस ड्राइव के थ्रस्ट दे के रखना जीडिया प्रायोरिटीज तुम सारे पहले भी पता है कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम पुलिस का सब तो अहम जोड़ा साडा रोल है और साडा जो एम है वो ये है क्राइम रोकना जो हो गया तो उन्होंने डिटेक्ट करना उससे सच पहरा असं देवे अज ऑफिसर मैं मीटिंग रखी है हम 2:30 बजे एंड असी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडोप्ट करा इस क्योंकि पंजाब पुलिस का बड़ा व्डा इतिहास है और गुरु नगरी के असी सारे लोग बहरों भी आते हैं तो वास्ते जी बेस्ट अरेजमेंट ट्रैफिक दे होर जी पुलिस की विजिबिलिटी है उन्होंने खास ध्यान दिता जाएगा। पब्लिक की जी ग्रीवेंस ने वो पहले ही प्रायोरिटी एक पब्लिक सर्वेंट वास्ते होंगी है उन्होंने पहले ही अहमियत मैं दिता रहा तो हूँ फिर साढ़े ऑफिसर भी नाल इस गल बारे बड़े सेंसिटिव ने अज इन्हों यही डायरेक्शन भी दी जाएगी सारे कि असी पब्लिक सर्वेंट बन के काम करना है। बदमाश आदमी को डर हो पुलिस का तो कानून का शरीफ आदमी अपना दोस्त समझे महिलावान की सिक्योरिटी है होर उन्होंने ग्रीवेंस ने अजक बहुत ज़्यादा विमेन रिलेटिड क्राइम या विमेन रिलेटिड कंप्लेनेंट विमेन ने कंप्लेट्स आदि हैं वूमेन जरा सा हेल्पलाइन है या होर चीज़ा ने उन्होंने भी असी प्रायोरिटाइज करना है। इस तो अलावा वेलफेयर जरा पुलिस का वो ऑर्डरली रूम या जी सा सिस्टम ने उन्होंने अभी बनावे सो दैट पुलिस जो लोअर लैवल कनैक्ट ठीक रहे। श्रोमणी अकाली दल की पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सुरजीत सिंह रखड़ा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में माथा टेक वाहेगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका शुक्राना भी अदा किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सुरजीत सिंह रखड़ा ने कहा कि 30 अगस्त को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उस समय भी विदेश में थी जिस कारण वे श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंच नहीं सके जिसके चलते विदेश से आने के बाद वे श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचे हैं और जत्थेदार साहिब को अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उनकी सरकार के समय जो भी जाने अनजाने में भूल हुई है उसके लिए वे क्षमा चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जो भी सजा लगाएंगे वे उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो मैं बाहर गया हुआ सी अमरीका गया हुआ सी ते मैं श्री अकाल तख्त साहब जी दस साल बेनती की थी ते मैं कुछ दिन खत वहाँ जो थी इजाजत देवो तो मैं थोड़े दिन बाद चा जा सो मैं हूँ इतना वापस आया सी आके श्री अकाल तख्त साहब से पूरे नतमस्तक होकर पूरा सारा कुछ सौदे उसके सारा कुछ छड़ छका के इतने तक उन्होंने बेनती की है कि जो भी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का हुक्म होगा वो साढ़े सिरमत्ते ते होगा जो भी वो ला देंगे वो जो हुक्म करेंगे वो है जी। सर अगर सर सुनिया नहीं असं की कहा कि भी असं उस टाइम के विदिन पार्टी सारा कुछ कहते रहे पर साड़ी गल नहीं मनी गई विदिन पार्टी असी बाहर मुखालत करे वो करके असी बर्दाश्त की बेनती की श्री अकाल तख्त साहब को उसकी भुल बख्शा होना है
उस टाइम के चुप रहे। हम सारी गल बाद करा अज तक सिर्फ तो सिर्फ श्री अकाल तख्त साहब बहुत धन्यवाद वाहिगुरु खालसा श्री वाहिगुरु जी। निहंग सिंह जत्थेपतियों की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सिख तालमेल कमेटी के प्रमुख फरपाल चड्ढा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य सिख समुदाय को जागरूक करना और उन्हें तथ्यों से अवगत करवाना था, जो कि कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा किए जा रहे कथित नैतिक कार्यों से जुड़ा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निहंग सिंह जत्थेबंदियों के नेताओं ने खुलासा किया कि हरपाल चड्ढा और उनके सहयोगियों द्वारा पिछले कुछ महीनों से सिख समुदाय विशेषकर पंजाब के सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि चड्ढा और उनके साथ जुड़े लोग गलत और नाजायज कानूनी मामले दर्ज करवा रहे हैं। इसके बाद उन मामलों को रद्द कराने के बदले पीड़ित लोगों से पैसों की मांग की जाती है। निहंग सिंह जत्थेबंदियों ने इस पूरे मामले पर सिख समुदाय से अपील की है कि वे इन भ्रष्ट और अनैतिक लोगों का पूरी तरह से सामाजिक बॉयकॉट करें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सिख समुदाय की प्रतिष्ठा और एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि सिख भाईचारे में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़े। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अज असी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो साढ़े शहर में इस वे मसला बहुत ज़्यादा भखिया हुआ कि साड़ी एक भैन मुसलमान भैन जी है वो उत्ते एक सरदार मुंडे ने जोड़ा हाथ चुकया उन्होंने सट चोट लगी है, तो जिसका उन्होंने पुलिस कंप्लेट करके परचा करा लिया। हूँ उन्होंने एक दबाव बनाया गया कि वह जड़े ने उन्होंने भी जोड़ा पुलिस परचा करे ताकि उन्होंने भी जोड़ा मतलब बिच समझौता करने मजबूर किया जाए। तो वह एक शहर की जथेबंदी है सिख तालमेल कमेटी, वो जोड़ा आगू हरपाल सिंह चड्ढा उफ शंटू शूटर, तो जोड़े साथी ने तरजिंद परदेसी हरप्रीत सिंह इटू, इन्होंने सारे ने रल के इन्हें दबाव बनाया धरना लाने की कोशिश की है। तो कहें कि इन्हें तो 295 लाओ, जबकि असी उन्होंने को जो सबूत मंगे कि तुम सबूत दो, जो कोई थोड़े ना वधीकी है जो साढ़े भरा तो असं वेद साथ देवे। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिता, इस भैन को सारे सबूत थे। तो हूँ इस असी जाति नहीं होने देवे, हूँ साढ़े सिखा को मदद लैन लिए आई है, हूँ साड़ी जिम्मेवारी हैगी है कि इस बेइंसाफी ना हो। असी कमिश्नर साहब न भी पुलिस प्रशासन में भी बेनती करनी है तो जाके उन्होंने मिलेंगे भी। तो हूँ मैं मीडिया के राही भी करना चाहता कि इस भैन के नाल कोई भी जाति ना की जाए, सिख समाज ये खड़ा आ। जे इदां दे होर भी कोई मजलूम है जिहड़े इस जथेबंदी तों पीड़ित है, अज असी इस जथेबंदी का पूर्ण तौर ते बायकाट कीता है सारी जथेबंदियां ने मिलके, और असी उस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती सी। मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लंबा पिंड चौंक जालंधर में मां बंगला मुखी जी के नियमित श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान विकी नाहर से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन, ग्रंथ सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलाई गई। तो ही मस्जिद बंगला मुखी धाम के सेवादार नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ में उपस्थित संगत को मनुष्य जीवन में समय और समझ का सदुपयोग के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य जन्म इंसान के लिए कैसा अवसर है कि अगर इस समय के दौरान समय की कद्र कर प्रभु नाम का सिमरन किया जाए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकांश समय और समझ एक साथ नहीं मिलते, जब समझ आती है तब तक समय निकल जाता है, इसलिए समय और समझ के बीच समन्वय बैठा लो। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, रूपम प्रभाकर, सुनीता, गुरवीर, प्रीति, बाबा हलचल, मनीष शर्मा, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगला मुखी जी। आज मां बगला मुखी ताम मां जगदम्बा का आवन स्थान जिहड़ा सिद्ध मां बगला मुखी ताम गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, मां दे इस भव्य मंदिर दे विच अज सप्ताहिक जिहड़ा हवन यज्ञ है श्रृंखलाबद्ध वो संपन्न होया। महामाई की कृपा नाल दूरों दूरों आईयां संगतां ने हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और अपने भाव जगदम्बा के चरणा च रखे। साड़ी यही अरदास बेनती महामाई के चरणा च है कि हे जगदम्बा अपने बच्चों बच्चियों अपना मेहर भरिया हाथ उन्होंने सिर पर रख के इस भव सागर तो पार लगाओ और जोड़े भी रोग दोष कष्ट है, कोई परिवारिक है, आर्थिक है, मानसिक है, वह दूर करो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि असी जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ लगातार पिछले 10-11 साल तो करते आ रहे हैं उसकी लड़ी के 29 सितंबर
रविवार को एक बहुत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। करबद्ध प्रार्थना है सारे सेवादारों माँ भगवती के नाम लेवा संगत को कि वह हवन यज्ञ सवेरे 8:30 तो लैके 11:30 बजे तक पहुँचो और अपनी हाजिरी लगवा के महामाई के कोल अपने जिहड़े दुख दर्द है फरियादा वो रखन। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 3 तरीक तो महामाई के पावन नवरात्र शुरू हो रहे हैं। रोज़ सवेरे 7 बजे तो 8 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। माँ नव दुर्गा जी के निमित्त 3 तरीक सवेरे पहला खेतरी रोपण जिन्हों आप खेतरी बीजते हैं पंजाबी कहने हैं वो किया जाएगा। जिहड़ा 3 तरीक वीरवार का हवन यज्ञ होएगा उस दिन सवेरे 6:30 बजे सब तो पहला महामाई का जिहड़ा गुणगान होएगा और खेतरी रोपण होएगा। नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ संपन्न होएगा। इस दे नाल नाल मैं एक होर जिहड़ी सहर्ष सूचना देनी चाहना कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान वाल्मीकि जी की जिहड़ी शोभा यात्रा है उहदी शुरुआत जिहड़ा एक विशाल हवन यज्ञ माँ बगलामुखी जी का किया जाता है वो इस वारी 6 अक्तूबर दिन रविवार को भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर होएगा। सारे सेवादार सवेरे 10 बजे अपने धाम तो शक्ति नगर भगवान वाल्मीकि आश्रम लिए चलणगे। 11 बजे तो 12 बजे तक उत्थे हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जिथे जिथे साड़ी आवाज़ जाती है और जिथे जिथे माँ के नाम लेवा संगत है वो 29 तरीक न माँ बगलामुखी धाम च पहुँचन ही पहुँचन। इस दे नाल नाल 6 अक्तूबर दिन रविवार को सवेरे 11 बजे भगवान वाल्मीकि आश्रम पहुँच के अपनी हाजिरी लगाओ और हवन यज्ञ च आहुतियां डालो। जय माँ बगलामुखी जी, जय माँ बगला। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल जलंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के श्री राम हॉल में चल रही श्री राम कथा के 5वें दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों को कहा कि श्री राम नाम में अपार शक्ति है। इसमें 3 अक्षर हैं, र, अ तथा म। र अग्नि का बीज है, अ सूर्य का बीज है तथा म चंद्रमा का बीज है। अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा सृष्टि का आधार है। उन्होंने कहा कि राम नाम तो इन तीनों का आधार है। इस अवसर पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, RSS से सुनीत दत्ता, प्रधान हरे कांछा, समाज सेवक अनिल शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस मौके पर प्रधान हरे कांछा केशर भगवान दासपुर, प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह, अशोक शर्मा व मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन स्वदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Thank you.
प्रोशत सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती फतेह हर महादेव। हम लोग वैदिक शांति पाठ में पढ़ते हैं, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयां। शांति पाठ है ये, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयां, इसका अर्थ है कि हम एक कान से नहीं, हजारों हजारों कानों से। कर्णे का अर्थ यही होता है, कर्ण हुआ। वैदिक संस्कृत में कर्णे भी ही बोला जाता है, कान से नहीं, बहुत से कान से, हजार कान से। भद्र श्रवण करें, भद्र माने कल्याण का श्रवण करें। भवत रमयता, भवत रमयत, भद्र शब्द का अर्थ क्या है? भवद रमयत, जो तत्काल आनंद दे, सुनाई पड़ता जाए और आनंद देता जाए। कल नहीं, परसों नहीं, अगले साल अगले जन्म में नहीं, तत्काल फल मिले, देखने का, सुनने का, छूने का, खाने का, तत्काल फल। ये राम कथा के श्रवण करने का, सनातन धर्म के शास्त्रों को श्रवण करने का जो आनंद है वो तत्काल मिलता है। सुनाई पड़ता जाए और आनंद देता जाए, और हम देखते जाए और आनंद देता जाए। उदाहरण रखे कि स्वर्ग में आनंद मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा, अथवा अगले जन्म में मिलेगा। श्रवण आनंद को उधार रख लेता है, जो श्रवण को, आनंद को उधार रख देता है वो गरीब और कंजूस श्रवण कहा गया। और श्रवण तत्काल शमकाल में ही, जिस समय बैठे हो सत्संग में, उसी समय परम आनंद का वितरण करता जाए, उसे भद्र कहते हैं। भद्रम कर्णे भी श्रृणुयां, रमयति, पैदा होता है और रमाता है। वेद मंत्र आया है भद्रम, भद्रम भद्र, सचिविदम सखा वाची अधिकारी अस्तु। हमारे प्रेम को पहचानने वाले परम सखा भगवान को जिसने छोड़ दिया, हमारे शास्त्र कहते हैं जमान से उसे बोलने का हक, उस जीव को बोलने का अधिकार नहीं है जिसने हमारे सबके परम सखा। हमारे सबके परम सखा कौन है? भगवान हमारे असली मित्र हैं, और असली मित्र को भूल करके नए नए मित्रों की आड़ में असली मित्र तो हमारी सबकी आत्मा में रहने वाले परमात्मा उन्हें भूल गए हैं, और उनको याद दिलाने के लिए राम। इसका अर्थ यही कि हमारे प्रेम को समझने वाले हैं। अपने प्रेम को, अपने प्रेम को ये ध्यान रखना। वो कहते हैं चक्रवात और चक्रवा की प्रेम का रहस्य, चक्रवात चक्रवा की प्रेम का रहस्य क्या जाने? एक उस पार देता है, एक इस पार
संयोग ही कहा नहीं है क्यों वियोग का दुख है। चाहे प्रेम कितना भी हो वहां प्यास तो है पर रस नहीं। चक्रवात चक्रवाती का दृष्टांत हमारे वृंदावन के लोग उसको निशान मानते हैं उदाहरण के लिए। और शास्त्र में दूसरा दृष्टांत है सारस पक्षी का। सारस सारसी एक बतक होते हैं, सारस सारसी बतक होते हैं ना सफेद, वो जोड़ा दोनों जोड़ा मिलकर के सरोवर में रहते हैं और बड़े प्रेम से दोनों रहते हैं। लेकिन दोनों में यदि एक मर जाता है तो ऐसा नियम है कि दूसरा भी मर जाता है। उनको वियोग का दुख मालूम है। सारस का प्रेम, प्रेम में कितना रस है इस बात को तौल नहीं सकता वो, क्योंकि उसको वियोग का तो कभी ज्ञात ही नहीं है। इसलिए हमारे यहां सारस का प्रेम भी अधूरा है। और चातक और मछली पर भी कई कई चातक और मछली का प्रेम पानी की साबत कर गया। मछली का प्रेम ऐसे प्रीतम से हो गया है, मछली ऐसे पानी से प्रेम करती है जो जड़ है, जो जानता ही नहीं कि मछली कि हमसे इतना प्रेम, पानी नहीं जानता कि मछली हमसे इतना प्रेम करती है। और अगर पानी ना हो तो पानी के वियोग में मछली तड़प तड़प के मर जाती है। भले मछली प्रेमी हो पर उसका प्रीतम को जड़ है पानी, उसे कोई दर्द नहीं होता। जहां सामने वाले को प्रेम का पता ही नहीं है वहां प्रेम की पूर्णता का उदय कहां होगा। और चातक के बारे में यही कहा गया है, चकोर के बारे में यही कहा गया है, कहते चातक तो बादल से इतना प्रेम करता है कि जब स्वाति का बूंद न मिले तो नहीं पिएगा और मर जाएगा। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का वाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। तो वहीं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के अश्विनी यादव ने बताया कि ये हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा से हर सप्ताह करवाया जाता है। भक्तों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर विश्व की मंगल कामना की गई। सबसे पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर, गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, दिवेश राम सिकंदर, पंडित चक्रदेव जोशी, अश्विनी कुमार यादव, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हरि ओम स्वाहा।
ज्योति बांसल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु जन्मी जाग राजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री देवी तलाब मंदिर से श्री राम हॉल में किया गया। इस दौरान पंडित गुलशन शर्मा द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय ज्योति बांसल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर श्री देवी तलाब मंदिर के महासचिव राजेश विजय ललित गुप्ता व पारिवारिक सदस्यों में पति जितेंद्र पाल बांसल, मानव बांसल, अनु बांसल, आशना गनेरी वाला, वरुण गनेरी वाला, देवयानी गनेरी वाला, रुमानी बांसल, मोहिंदर पाल बांसल, संगीता बांसल, कल्पित बांसल, नीतिका बांसल, सूरभि बांसल सहित शहर के व्यापारिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय ज्योति बांसल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के फोकल पॉइंट में सुबह कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 30 से अधिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। जालंधर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम ने नकोदर चौक से भगवान वाल्मीकि चौक तक चलाया ऑपरेशन, अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। पंजाब सरकार के नए बने कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, सरबत के भले की अरदास। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।